नमस्कार, मैं अमन यादव और आप सभी का स्वागत है क्रिकेट केसरी में। कल आईपीएल के दो मैच खेले गए, जो कि पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। वहीं दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच खेला गया। चलिए नजर डालते हैं कल के पहले मैच के कुछ मुख्य हेडलाइंस पर। राजस्थान ने राहुल त्रिपाठी के अर्धशतक के बाद श्रेयस गोपाल के 16 रन देकर 4 विकेट की अगुवाई में शानदार गेंदबाजी से शनिवार को यहां आईपीएल टी20 मैच में 30 रन से जीत से बैंगलोर को इंडियन प्रीमियर लीग के 11वें चरण से बाहर कर दिया। इस जीत के साथ राजस्थान टीम के 14 मैचों में से 14 अंक के साथ हैदराबाद 18 अंक के साथ, चेन्नई 16 अंक के साथ और कोलकाता नाइट राइडर्स 14 अंक के बाद चौथे स्थान पर पहुंच गई और प्लेऑफ की दौड़ में शामिल, जबकि बैंगलोर का सफर 12 अंक के साथ समाप्त हो गया। दूसरे मैच की कुछ मुख्य हेडलाइंस पर नजर डालें तो डेथ ओवरों में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन के बाद क्रिस लिन के अर्धशतक से कोलकाता नाइट राइडर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग को शनिवार को यहाँ टॉप पर चल रहे हैदराबाद को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। हैदराबाद के 173 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए केकेआर 19.4 ओवर में 5 विकेट पर 173 रन बनाकर जीत दर्ज की। ये तो बात हुई कल खेले गए मैच की, अब हम बात करेंगे आज होने वाले मैच की। आज सुपर संडे का दिन है तो आज आईपीएल में दो मैच खेले जाएंगे। पहला मैच दिल्ली डेयरडेविल्स और मुंबई इंडियंस के बीच शाम 4 बजे फिरोजशाह कोटला में मैच खेला जा रहा। वहीं दूसरा मैच चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच रात 8 बजे महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरे मैच की बात करें तो पंजाब को अगर प्लेऑफ में जगह बनानी है तो उसे आज महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में होने वाले मैच में हर हाल में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई को मात देनी होगी। बेहतरीन शुरुआत के बाद रविचंद्र अश्विन की कप्तानी वाली पंजाब की टीम राह भटक गई है और उसे अंतिम चार में जाने के लिए अब अपने आखिरी लीग मैच में हर हाल में जीत चाहिए। इस रेस को जीतने के लिए पंजाब को बड़े अंतर से चेन्नई को मात देनी होगी। छोटी बड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे क्रिकेट केसरी। कैमरामैन करण खुराना के साथ मैं अमन यादव।